हाय गाइस, अभी मैं लैब जाने के लिए तैयार हो गई हूँ और काफ़ी सारे कमेंट्स आजकल मैं PhD से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए लोगों को, लाइक वो कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ उससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी ताकि जो आपकी सारी क्वेरीज हैं उनको मैं कवर कर पाऊँ। फॉर श्योर विद इन 1 वीक मैं बनाने का ट्राई करूंगी। और साथ में ही जो हमारा IIT का स्पोर्ट्स फेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, आज उसका Day 1 है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी चल रही है कैंपस में, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ वो चीज़ें भी शेयर करती हूँ, क्योंकि यही तो चीजें होती हैं जब आप स्ट्रेस होते हो, जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते हो, तो वहां जाके आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। और पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे लास्ट 1 वीक से बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा, तो फॉर श्योर मैं इन एक्टिविटीज में जाने वाली हूँ ताकि मैं अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको अगेन वापस ले पाऊँ और अपना काम है उसको अच्छे से कर पाऊँ। और मैंने कल रात में देखा कि जो हमारा रावी हॉस्टल के सामने का एरिया है और जो यूटिलिटी ब्लॉक है उसको इन लोगों ने बहुत अच्छे से डेकोर किया था। दिन में दिखाऊंगी तो इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा, लेकिन रात में बहुत ज्यादा अच्छा दिखने वाला है। मैं दिन में भी थोड़ा सा दिखा दूंगी आपको भी जाते हुए कि कैसा दिख रहा है, और शाम को मैं आपको नाइट व्यू भी दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं अभी तो लैब के लिए और जाके अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काम और ये एक्टिविटीज सब इम्पोर्टेंट है, तो इनको बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। तो चलो चलते हैं अभी। लुक एट दिस व्यू। आरोहण जो स्पोर्ट्स मीट है उसका नाम है, और इन्होंने बहुत अच्छा डेकोर किया है इस वाले एरिया को और काफी अच्छी लाइटिंग भी लगाई है। ये यूटिलिटी ब्लॉक वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। नाइट में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, कल बहुत अच्छा लग रहा था, आपको दिखाऊंगी नाइट व्यू भी। वाओ, और इधर ये स्टॉल वगैरह लगेंगे, वो उधर सामने फूड के लिए स्टॉल्स वगैरह लगेंगे, और यहाँ पे मे बी कुछ इवेंट होगा जो शाम को भी तैयार हो जाएगा 4 बजे तक प्रॉपरली, तब दिखाऊंगी मैं आपको। अभी तो हम लोग लैब निकलते हैं। हाय गाइस, तो अभी मैं LHC आई हूँ, यहाँ पे इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं वो देखने के लिए, और जो स्पोर्ट्स फील्ड है वहाँ पे सारे स्पोर्ट्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे मैं 5 बजे के बाद जाऊंगी जब मेरे लैब आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आई हूँ ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो अभी मैं ऑलमोस्ट LHC के पास में खड़ी हूँ, तो चलो चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं क्या चल रहा है। तो फिजिक्स डे की तैयारियाँ चल रही है। अच्छा, टेबल टेनिस चल रहे हैं यहाँ पे। हेलो भैया। तो यहाँ पे टेबल टेनिस चल रहा है, चलो अंदर चल के देख लेते हैं। तो भी जस्ट मैं LHC से निकली हूँ, वहाँ पे टेबल टेनिस और जो चेस है उसका गेम चल रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के, थोड़ी देर देखा मैंने। और अभी बाकी सारे स्पोर्ट्स हैं वो मैंने पहले भी बताया आपको, स्पोर्ट्स फील्ड की तरफ चल रहे हैं, तो वहाँ पर मैं 5 बजे के बाद जाऊँगी। तो अगेन मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर लैब चली जाती हूँ जाके काम कर लेती हूँ, तो अगेन लैब की तरफ निकल चुकी हूँ अभी। अभी अराउंड 7 बज रहे हैं और व्यू देखो कितना ज़्यादा प्यारा आ रहा है, मुझे आपको यही दिखाना था। और अभी हमारा जो मेस एरिया है उसके सामने एक इवेंट चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम लोग भी वहाँ चलते हैं, उसके बाद जो हमारे स्पोर्ट्स फील्ड है वहाँ पे भी चलेंगे। तो मैंने लैब के सारे काम डन कर दिए हैं और अब अभी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इधर उधर घूमने का टाइम मिल चुका है मुझे और मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है ये सोच के। तो चलो चलते हैं फटाफट, पहले पहुँचते हैं और इवेंट हम भी अटेंड करते हैं। सो अभी जस्ट मैं यूटिलिटी ब्लॉक पहुंच चुकी हूँ और लुक एट दिस व्यू, रात में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वाओ,
नाइस। और वो वाला एरिया मैं आपको आने के बाद दिखाऊंगी जहाँ पे आपको आरोहण लिखा हुआ दिख रहा है। अभी जो हमारा रेंट है वो मेज के सामने हो रहा है, तो मैं उधर जा रही हूँ। और ये देखो, ये पूरा रास्ता और जो ऊपर की लाइट है वो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। वाह, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो चलते, फटाफट इवेंट है वो स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे, तो उसको भी जाके एंजॉय करते हैं। इधर जैसा कि मैंने आपको बताया था, फूड स्टॉल्स लगी हुई है। इवेंट तो यहाँ पे हो रहा है लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है यार। इन्होंने लाइट क्यों नहीं लगाई पता नहीं। पूल बी में हमारे पास है इहिता वर्सेस कीर्ति। अभी जस्ट मैं जहाँ पे बास्केटबॉल ग्राउंड और वॉलीबॉल ग्राउंड है वहाँ पे आई हूँ। और यहाँ पे तो बहुत सारी भीड़ है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। हो सकता है अभी कुछ मैचेस भी होने वाले हैं। उसके बाद हम क्रिकेट ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड है उधर भी चलेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं और साथ में ही ग्राउंड में भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है। तो फॉर श्योर अभी एक मैच होने वाला होगा, तो चलो हम भी चलते हैं और देखते हैं पास चल के। हाय गाइस, जो मैं मैच देखने के लिए आई थी एक्चुअली वो रुक गया है। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि एक प्लेयर को चोट लग चुकी है और वो बेहोश हो गया था, इसलिए उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और जो मैच चल रहा था उसको वहीं पे रोक दिया। और अभी कोई मैच नहीं हो रहा है तो मैं इधर क्रिकेट ग्राउंड की तरफ आई हूँ। और यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड भी है बट यहाँ पे भी अभी कोई मैच नहीं चल रहा है क्योंकि सारे मैचेज ऑब्वियसली दिन में चल रहे होंगे। मुझे लगा था शायद 9-10 बजे तक चलेंगे बट नहीं, अभी सब कुछ यहाँ पे क्लोज है जैसा कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। अभी यहाँ पे ये रेस के लिए ट्रैक बना हुआ है और ये फुटबॉल ग्राउंड है अपना, और सामने की तरफ क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पे बैठने के लिए इन्होंने ये काफी सारी जगह भी बना रखी है। बट जैसा कि मैंने आपको बोला था, दिन में मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी क्योंकि आज वर्किंग डे था। बट कल वर्किंग डे नहीं है तो मैं कल यहाँ पे आऊंगी जरूर और आपको कुछ कुछ मैचेस हैं वो दिखाने वाली, मजा आएगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा वॉक करती हूँ एंड देन उसके बाद मैं वापस जो अपना हॉस्टल है उधर जाऊंगी। तो चलो वहां जाके मिलती हूँ फिर आपसे। हाय गाइस, अभी मैं ऑडिटोरियम में आई हूँ। यहाँ पे कॉमेडी शो चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ भी थोड़ा शेयर करती हूँ। हालांकि मेरे पास टिकट नहीं है और मैं 10-15 मिनट के लिए आई हूँ। चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा चल रहा है। ये ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काम कर इसको ना थोड़ा सा और रोमांटिक कर दे। ये बियर के अंदर ना वो दिल वाली छतरी ना डाल दे। चलो भाई यार इधर आ जा तू। तो मैंने कहा दिल पर से ही मटा अपना तेरे पिगमेंटेशन हुआ है ना। आई जस्ट बीइंग सीरियस। बच्चे आगे कह रहे भैया एक बार बार करके दिखाना।